आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना राम, सीता और लक्ष्मण कैसे अपने पिता दशरथ जी के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पास आते हैं। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो के जरिए, उसका शीर्षक है वन के लिए प्रस्थान, जो कि है रामायण से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जस समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हांकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नगारिक और लाखों नागरिकों ने हे राम कहते हुए उस रथ के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए, तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब और कहां दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी केकई के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हांफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ लोक रोका और बोला, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए, इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए। ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वनगमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना स्वार्था यानी कि सर्वदा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वही रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा, किंतु प्रजाजन रोते बिखरते उनके पीछे 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 दौड़ने लगे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एक टक निहारते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हे राम हे लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृत प्राय से महाराज अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्राह्मण में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूं, जिसके दो दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिखरता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्रत है। फिर मैं मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूं, मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहां के अतिरिक्त मुझे अत्यंत कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के सप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी।